नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी आपके साथ। पिछले दिनों युवती ने जेल में निरीक्षण के दौरान एसडीओपी टीआई सहित तीन पुलिसकर्मियों पर सनसनीखेज आरोप लगाए। उसको लेकर रीवा के अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गंभीर आरोप लगाए थे। आइए आपको पहले सुनाते हैं राजेंद्र पांडे ने क्या कुछ कहा था। 9 मई 2020 को मनगवा क्षेत्र में एक मर्डर हुआ। परिंदा गांव है, थाना मनगवा में, चौकी मनिकवार। उसमें मर्डर के बाद 9 मई को एक महिला प्रीति वर्मा करके कस्टडी में ली गई और उसको लॉकअप में बंद किया गया। 9 मई से लगातार वो 20 मई तक मनगवा थाने के लॉकअप में बंद रही। उसका आरोप यह है, उसने जो अपने बयान में कहा है कि इस अवधि में जो वो 10 दिन 11 दिन उसको लॉकअप में रखा गया, टीआई एसडीओपी एक दादा करके कोई पुलिस वाला है और दो और पुलिस वाले, कुल 5 लोगों ने उसके साथ रेप किया। और जिस समय रेप हुआ, लॉकअप के गेट पर सुप्रिया जैन कोई महिला सब इंस्पेक्टर है, वो खड़ी थी। अब पूनम नाम की महिला आरक्षक उसमें रोक रही थी, जिसको इन लोगों ने गाली वाली देके वहाँ से भगा दिया। उसको 21 तारीख को कोर्ट में पुटअप किया गया और फिर उसको जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद उसने अपनी जो महिला वार्डन है, महिला बैरक की, उसको एक हफ्ते बाद ही बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन उस महिला वार्डन ने इसकी कोई शिकायत आगे नहीं भेजी। हमारे न्यायालय से रूटीन चेकअप में जाते हैं, यहाँ से जुडिशल मजिस्ट्रेट और विधिक प्राधिकरण के अधिकारी, विधिक प्राधिकरण अधिकारी श्री विपिन लावनिया 3-4 दिन पहले जेल निरीक्षण में गए। उनके साथ मिला अफसर अभय मिश्रा और हमारे साथ के वकील एक सतीश मिश्रा, ये तीन लोग गए। लावनिया साहब जो हमारे यहाँ एडीजे हैं, उनके सामने उस बंदी का बयान हुआ जिसमें उसने बताया कि 9-5 और से 20-5 के बीच में उसके साथ इतने लोगों ने बलात्कार किया। हमने इस बात की शिकायत इनको बताई, महिला वार्डन को, तो इसने हमारी शिकायत नहीं की। तो लावनिया साहब ने उसका पूरा बयान नोट किया, उस बयान को सीजीएम को कार्रवाई के लिए दिया। सीजीएम ने हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को दिया। डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज ने उस पर जुडिशल इंक्वायरी के लिए कंचन चौक से हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट हैं उनको सौंप दिया और एसपी रिवया को एक पत्र कार्यवाही करने के लिए भेजा, वो 14 तारीख को भेजा गया, जिस पर एसपी साहब का अभी तक ये कहना है कि मुझे वो पत्र प्राप्त नहीं हुआ। और डिस्ट्रिक्ट जज के कार्यालय से एसपी ऑफिस की दूरी मुश्किल से 50 मीटर से कम हो। रीवा जिले की कानून व्यवस्था कैसे सुधरे जब बलात्कारी टीआई होंगे, एसडीओपी इस तरह के लोग बने रहेंगे और शिकायत करने पर जिले का पुलिस कप्तान ही कहेगा कि हमको शिकायत प्राप्त ही नहीं हुई। भाई, उसने बयान दिया मजिस्ट्रेट के सामने, सही है या गलत ये तो विचारण का विषय है, न्यायालय तय करेगा, ये कोई पुलिस का आदमी तय नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तो कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। बताया ना, जुडिशल इंक्वायरी का आदेश हो गया, कंचन चौक से कर रही जुडिशल इंक्वायरी, पर उनको हटाने का, उनके खिलाफ एफआईआर करने का, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का काम तो पुलिस को करना है। अभी भी पदस्थ थाने पर, उस थाने में ना होंगे, बगल वाले में होंगे, लेकिन बलात्कारी बगल वाले थाने में रहे चाहे उस थाने में रहे, उसको तो हटना चाहिए। अब ये तो आप एसपी से पूछ लेना। वैसे आप द रिकॉर्ड में बता दूं, शायद कोई बारीवा एसडीओपी था, 100% कन्फर्म नहीं हूँ मैं, वो 9-5 से 20-5 के बीच में थे ये लोग। और शायद जो रायपुर में है, क्यों रायपुर में पोस्टर है वर्तमान में टीआई, शायद वो थे मनगवा टीआई। चार्ज मेरा होगा टीआई। अभी आप सुन रहे थे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार सहित तमाम संगठनों ने गंभीर चिंता जताई है। कहा जा रहा है कि इसको लेकर मध्य प्रदेश प्रशासन भी
गंभीरता से जांच की बात कर रहा है। मानव अधिकार आयोग ने डीआईजी स्तर के अधिकारी से जांच की बात कही है। इस मामले को लेकर जब हमने रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से बात की तो उनका साफ तौर से कहना था पुलिस कांच की तरह पाक और साफ निकल कर बाहर आएगी। कोई भी एजेंसी जांच करा ले, हम एजेंसी को पूर्ण तरह सहयोग देंगे। एजेंसी जो भी कागज मांगेगी, जिस तरीके का पुलिस से सहयोग मांगेगी, उसको देंगे। जब पुलिस ने कोई भी ऐसा काम किया ही नहीं तो निश्चित रूप से हम इससे पाक और साफ निकल कर बाहर आएंगे। आइए आपको सुनाते हैं पुलिस अधीक्षक रीवा ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा। देखिए, इसमें न्यायालय ने एक पत्र भेजा है जिसकी हम जांच करा रहे हैं और जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसको न्यायालय को अवगत करा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें यह भी संज्ञान में आया है समाचार पत्रों के माध्यम से कि मानव अधिकार आयोग ने भी इसमें जांच करने के लिए भेजा है। तो हम तो हमारी पुलिस और हम सब तैयार हैं, कोई भी एजेंसी जाँच करें और सत्य का अन्वेषण करें। पुलिस ने अच्छा कार्य किया है, कोई गलत कार्य नहीं किया गया है और जांचों से पुलिस जो है बिल्कुल कंचन की तरह साबित होकर बाहर निकले। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और पुलिस के बयान के बाद यह मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा जांच के बाद क्या कुछ बाहर निकल कर आता है। इस मामले को लेकर हम लगातार आपको ताजे अपडेट देते रहेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।